नमस्कार। अगला टॉपिक है सदिश द्विक गुणनफल, यानी के वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यदि ए बी व सी तीन सदिश हैं, तो गुणनफल ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी त्रिक सदिश गुणनफल कहलाता है। इस गुणनफल से प्राप्त राशि सदिश होती है। गुणनफल ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी से प्राप्त सदिश बी व सी के तल में होता है। बी क्रॉस सी से प्राप्त सदिश बी व सी के तल के लंबवत दिशा में होगा। ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी से प्राप्त सदिश ए वेक्टर तथा बी क्रॉस सी के तल के लंबवत होगा, अर्थात बी व सी से बने तल में ए के लंबवत स्थित होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की भांति वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर भी यदि हम मान वेक्टर ए बी व सी का कार्तीय निर्देशांक पद्धति में लिखें, तो उनके मान होंगे ए बराबर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसी प्रकार से बी इज इक्वल बी का जो मान है वो होगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, एवं सी विल का मान होगा सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के बराबर। ये तीनों मान रखने के पश्चात अगर हम मान निकालते हैं ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, तो मान हमें प्राप्त होगा बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी के बराबर। इसी प्रकार से यदि हम मान निकालें ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्रॉस सी, तो जो मान हमें प्राप्त होगा, यानी कि अब जो ब्रैकेट लगेगा वो ए क्रॉस बी के साथ लगेगा, उसके साथ हम सी का गुणनफल लेंगे, तो जो मान हमें प्राप्त होगा वो होगा बी ए डॉट सी माइनस ए बी डॉट सी के बराबर। यहां से हम ये कह सकते हैं ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ब्रैकेट जहां पर ए और बी के ऊपर लगेगा, ये दोनों मान बराबर नहीं होंगे, अर्थात त्रिक सदिश गुणनफल के लिए सहचारी नियम का पालन नहीं होता है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ इज नॉट फॉलो। अंतिम बिंदु के रूप में अगर हम मान निकालें, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ब्रैकेट सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस बी, तो इन तीनों का मान शून्य के बराबर प्राप्त होता है। ऐसा हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी का मान इस इक्वेशन के बराबर आएगा। इसी प्रकार से बी क्रॉस ब्रैकेट सी क्रॉस ए का मान इस इक्वेशन के बराबर आएगा, और अंतिम सी क्रॉस ए क्रॉस बी का मान इसके बराबर आएगा। अब तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये मान आएगा और राइट हैंड साइड में मान आएगा शून्य के बराबर। तो ये था सदिश द्विक गुणनफल, यानी कि वेक्टर ट्रिपल।